ये सामान आपने किसके वास्ते लिया? बेटी है मेरी। आपके बच्चे कहाँ से? बाबू उसका कशिश। मेरे खुदा, कहीं ये दोनों मरियम को। अगर ऐसा है ना तो ऐसा ही सही, इसकी भूख अपनी भूख मिटाएगी। मैं समझी नहीं बाजी। गुरु माफ कर दे, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। गुरु गुरु, हम वैसे ही अपने करों से निकाले हुए, अब आप भी हमें अपने कर से निकाल देंगे। तुम्हें माफ करने का दिल तो नहीं था, मगर तुमने बात ही ऐसी कर दी है। जाओ घर में, और आइंदा मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत सोचा तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जाओ। थैंक यू गुरु। क्या तारीख है? 19। क्या हुआ गुरु? तुम्हें पता है कल क्या दिन है? मुझे क्यों पता होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठहर मैं इसको छोड़ के आता हूँ मास्टर साहब के पास, फिर तुझे बताता हूँ। बाबा मुझे तो बताएं कल क्या दिन है। चल, कल आपका दिन है इसलिए आपसे क्या छुपाना। कल मेरी बेटी की सालगिरह है। ढेर सारे तुझको घुमाऊं, सैर कराऊं, दुनिया की सारी खुशियां दिखाऊं, तुझको दिलाऊं जो तू मांगे, जहान भी सारा तेरे कदमों में लाऊं। मेरे प्यारे मन के सहारे, डरना किसी से भी तू नहीं। मेरे प्यारे मन के सहारे, डरना किसी से भी तू नहीं। खो जा के ख्वाबों की दुनिया अधूरी, तुझ बिन पड़ी मरियम, इधर आओ। आओ मौलवी साहब से मिलो, सलाम करो।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीते रहो, अल्लाह ताला तुमको अपना हिफ्ज अमान में रखे। क्या सोचा इसका बिस्मिल्लाह का? किसी मुबारक जुम्मे पे कर सकते हैं मौलवी साहब, आप बताएं। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। तो अभी कुछ खिलाएगा नहीं? अरे अरे बिजली कशिश। देखो साफ जाहिर है फैसला तो तुमने ही करना है गुरु। फैसला तो तभी कर लिया था जब मैंने सर गले से लगा लिया था, मगर आपने मेरी एक मदद कर दी। आपने मुझे शहर के सबसे अच्छे स्कूल का ना पता बता दिया। अच्छे स्कूल बहुत महंगे होते हैं गुरु। मैं जानती हूँ। जानते हो कितनी फीस होती है एक महीने की? हजारों में होती है, हजारों में। कोई नहीं, जब तक मेरी जान में जान है और सांस आ जा रही है मैं मेहनत करूंगी। खुदा देगा ना, उसी के तवक्कल इससे गोद ली है। बुरा ना मनाना, वो वालदेन का इंटरव्यू पहले करते हैं इससे पहले कि बच्चे जरा और बड़ी है। मैं समझती हूँ आप क्या कह रही हैं। ये जिंदगी भर की जंग है सत्तार, जिंदगी भर की। मैं करूँ, मरते दम तक करूँ, खुदा मेरा साथ देगा। बस आपने वादा करना है कि आप ही मेरा साथ देंगे जैसे हमेशा आप लोग करते आ रहे। फिर तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी गुरु, अपने घर का माहौल फौरी तौर पर बदल इससे पहले कि बच्ची का जहन पुख्ता हो जाए इस बारे में। उसके जहन में तुम्हारा वो इमेज होना चाहिए जो एक बाप का होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये बहुत जरूरी बात है। मास्टर साहब। गुरु, अरे मैं तो तुम्हें पहचाना नहीं है। कितने अच्छे लग रहे हो, और तुमने घंटी क्यों नहीं बजाई? बस 5-10 मिनट ही हुए हैं। मैंने कहा आप नहा धो रहे होंगे ना, मैं तो आना ही था। अरे गुरु, तुम्हारा घर है और तुम जानते हो कि मैं इस वक्त घर पे होता हूँ, घंटी बजानी चाहिए थी ना। कोई बात नहीं मास्टर साहब, वो आपने मरियम का स्कूल चुन लिया। चुन लिया मतलब? वो रात को बात हुई थी ना मरियम के स्कूल। हाँ हाँ, अच्छा सरदार, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो एक साल पड़ा है पूरा। कहाँ जी, वक्त कहाँ है, मैं तो उसे डॉक्टर बनते हुए देखती हूँ, ऐसा लगता है कि वक्त है ही नहीं। हाँ ये तो सही कह रहे हो, बहुत तेज से भाग रहा। मास्टर साहब आप बस मुझे एक लिस्ट बना के दे दें ताकि मुझे अंदाजा तो हो ना। देखो गुरु, मेरी मानो तो बच्ची को किसी मोहल्ले के स्कूल में दाखिल करा दें, और याद रखो ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ। नहीं मास्टर साहब, मैं किसी बड़े स्कूल में करना चाहती हूँ ताकि उसका पहला कदम आसमां पे हो। गुरु बड़े स्कूल के बहुत खर्चे हैं, हमारी तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर हैं, बहुत आगे हैं। कोई बात नहीं मास्टर साहब, पहुँच से जितनी भी बाहर हो खुदा की पहुँच से बाहर तो नहीं है ना। गुरु बड़े स्कूल बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, 1.5-2 लाख रुपया लगेगा तुम्हारा। 1.5-2 लाख? हाँ इतना तुम्हें साल में भी नहीं कमाती, इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, हैं? मिलता हूँ फिर तुम्हें। ये कड़वा घूर तो तुम लोगों को पीना होगा, और मुझे भी। गुरु
अगले घर में कराया भाड़ा कहाँ से करेंगे, ऊपर से फीस भी। कुछ ना कुछ तो कर ही लेके। देखो मुझे इस घर का माहौल बदलना है। अब हम उस तरह बन के नहीं रह सकते जिस तरह हम हैं। मैं नहीं चाहती कि मरियम पे कुछ ऐसे सवाल खड़े हो जाएं जिनका जवाब ना वो खुद ना लोगों को दे सके। गुरु क्या हमसे फिर से गलती हो गई क्या? नहीं कोई गलती नहीं हुई, बस शायद ये इम्तिहान है। गुरु हम आपके बिना क्या करेंगे, कैसे दूर रहेंगे? हाँ गुरु आप हमारे माई बाप हैं, हम आपसे अलग कैसे रह सकते हैं? हमारे सिर्फ घर अलग हो रहे हैं, काम और दिल तो अलग नहीं हो रहा ना। देख बिजली तू भी सुन ले सुरैया और तू भी सुन ले कशिश, मुझे इस घर का माहौल बदलना है। जैसे आम घर होते ना मोहल्ले में, वैसे ही इस घर का माहौल बनाना है। गुरु हम तो आपके गुलाम हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे पता चलना है ना। क्यों पता चलना है, कैसे पता चलना है? मैं नहीं पता चलने दूंगी। और एक बात याद रख लो, आज के बाद से अपनी जुबान को संभाल के रखना है। बेटा बाबा आप मुझे 1 आवर तक लेने आ जाइएगा। 1 आवर? अब थोड़ी देर। 1 आवर ना, मैं पता करा दूंगा ना 1 आवर। तुम दिल लगा के पढ़ो। चल तुमने खुद को बदला है, मजे आया करो, नमाज का पाबंदी करो। जी इंशाअल्लाह। क्या गुरु अच्छी नहीं लग रही, मतलब लग रहा? नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही है। और सुन आज मैंने तेरा नाम सलीम रख दिया। सलीम? गुरु कुछ और नहीं रख सकते। तू तो खुद सोच ले। हाँ सलमान नाम बिल्कुल ठीक रहेगा। सलमान सही, लेकिन अपना नाम याद रखियो, कल को कोई और नाम याद करके ना आ जाइयो। मरियम को मैं यही नाम याद दिलाऊंगी। गुरु नाम तो बिल्कुल सही है, बस दुआ करो काम भी सलमान वाले ही हो जाए। तू फिक्र ना कर, हो जाएंगे, मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। ये बिजली और कशिश कहाँ है? सारी रात रोती रही हैं कि अलग कैसे रहेंगे। कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, दिल तो मेरा भी बड़ा बेचैन है, मगर मरियम दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी, क्या कहेगी? हमें सब कुछ बदलना होगा सरैया। सलमान और सुन कोई शलवार कमीज जाके ले लेना। ले लूंगा शलवार कमीज। हाँ आज ही जाके ले लेना, या मांग ले किसी से मोहल्ले से, और देख जैसे वो लाल वाला नहीं था उसी तरह का। ठीक है मांग लूंगी, मांग लूंगा। भाई गुरु वक्त तो लगेगा ना, और इंशाल्लाह मरियम के आगे गा ही निकलेगा, गा 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 का मांग लूंगा। अच्छा तो लग रहा। Can you tell me one thing? What is this? This is an apple. And apple is a fruit. Yes.
And F for? Fruit. Fruit. Very good. And what is B for? आपने तो three words बताए थे. अच्छा. भाई एक दिन में तो इंग्लिश नहीं बोलने लगेगी ये. मरियम मैंने आपके लिए होमवर्क लिख कर रख दिया है. You must finish your homework when you come tomorrow. Yes. लीजिए आपका बस्ता. This is your bag. Okay. खुदा हाफिज. कैसे कर पाएगा वो ये सब कुछ? सिर्फ पैसों से थोड़ी बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, घर का माहौल भी. ये सब बातें मैं उसे बता चुका. फिर भी जहन में कुछ ना कुछ सच्चाइयां तो होनी चाहिए ना. इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें कैसे दूर करेगा वो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रिंसिपल से फी में कंसेशन की बात भी करूँ. ये तो बहुत बात की बात है. अभी तो बहुत कुछ है, ये तो आप भी जानते हैं. हाँ जानता तो हूँ, लेकिन उसका एतमाद और यकीन देख के उस पर एतबार कर लेने को दिल चाहता है. अल्लाह इसके यकीन को उसके एतबार को कायम रखे. आमीन. आमीन. मरियम ये क्या टू टू टीटी लगाई थी? सोई नहीं? बाबा बस मैं सो रही हूँ. चलो सो जाओ, कल स्कूल भी है आपका. बाबा. हाँ? आप सुरैया को सलमान क्यों कहते हैं? बेटा वो तो सलमान ही है, वो तो तुम्हारे लिए सुरैया बन जाता है. वो तुम्हारे सलमान अंकल हैं, तुम्हारे सलमान चाचू. अच्छा तो वो फिर मेरे लिए खेलने के लिए बनते हैं. बहुत ही मजाही है. हाँ चलो अब सो जाओ. हाँ तक कितने पैसे इकट्ठे हो गए गुरु? बस लगी हुई हूँ मास्टर साहब, दुआ करें. अच्छा एक काम करना, 10,000 मेरी तरफ से और 10,000 मेरी बीवी की तरफ से, ये भी शामिल कर लो. अल्लाह आपको खैर से रखे, खुश रखे. शुक्रिया मास्टर साहब. गुरु 500 रुपए मिल जाएंगे? क्यों, क्या करना है? गुरु वो ना मुझे ना बर्गर खाना है, एक साल पहले खाया था. कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के घर का खाना खा. ये आशु के लिए हमारे पास पैसे नहीं है. अच्छा कटाकट. अच्छा रोल. बस ऐसे ही दिल कर रहा था. अच्छा रहने दे. कितने पैसे हो गए? मंजिल अभी दूर है सुरई. सलमान बस दुआ कर, वो तो रहा है मालिक, कर तो रहा है. मैं भी गिनू? तो तुमने कहना है कि आई एम सत्तार. आई एम सत्तार, मेरा नाम सत्तार है. ठीक है. फिर वो पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, आप क्या करते हैं? व्हाट इज योर प्रोफेशन? तो आपने कहना कि आई एम अ शॉपकीपर. इसका मतलब क्या है? शॉप तो मुझे समझ आ गई है. इसका मतलब यह है कि मैं दुकानदार हूं. लो जी झूठ बोल दूं, पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा. अच्छा चलो तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहोगे इसके जवाब? मैं ये नहीं कह सकती आई एम डांस. देखो बेटा
चंद लाइनें हैं, इन्हें याद कर लो, ये बहुत जरूरी है, यही आना है सब कुछ वहां। अगर उन्होंने कुछ और पूछ लिया फिर? मैं रिस्क तो लेना पड़ेगा ना जानी। आप मेरे साथ होंगे ना उधर मास्टर साहब? हाँ मैं वहीं होऊंगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे वहां ना बैठने दे, फिर क्या करोगे? इसलिए उनको याद करो सारे फिक्रों को। अच्छा फीस कम का आपने उन्हें बोलना है? फीस की बात भी कर लूंगा, फीस की बात भी कर लूंगा, लेकिन बेटा ये सब कुछ सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। अच्छा ये अंग्रेजी जरा उर्दू में लिख दे मुझे, मैं थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ। अच्छा ठीक है उर्दू में लिख देता हूँ, ठीक है फिर तो याद कर लोगे ना, लेकिन ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ मैं उर्दू में लिख दूंगा तुम्हें सब कुछ। एतमाद के साथ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। शाबाश, हौसले जाओ। मास्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिल मुंह में धड़क रहा है, सच पूछ तुम। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, समझे? पूरे हौसले के साथ, दिलेरी के साथ अंदर जाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हौसले के साथ शाबाश, ये गुड। मिस्टर सत्तार, राइट नाउ आवर स्कूल इज इन प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन, सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। यस यस प्लीज गो अहेड। डज योर डॉटर रियली कम्युनिकेट इन इंग्लिश? फाइन। यू विल बी मिस्टर सत्तार, आपको बता दिया जाएगा एडमिशन्स के हवाले से स्कूल जो भी फैसला करेगा, आप प्लीज इंतजार कीजिए। थैंक यू। ओके थैंक्स, शुक्रिया। जी जी। क्या हुआ? जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? इसमें नाम नहीं है। अल्लाह। मुझे पता मरियम का दाखला मेरी वजह से नहीं हुआ, उसके सारे टेस्ट पास हो गए थे, अब मैं क्या करूं? ये तो हमने तुम्हें पहले ही बताया था सत्तार। अच्छा देखो ऐसा करते हैं, कल सुबह मैं जाके प्रिंसिपल से फिर से बात करता हूँ। वो क्या कर लेगी? स्कूल की पॉलिसी तो नहीं तब्दील कर सकती मैं। पॉलिसी तब्दील ना करें, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है? मैं उनकी मिन्नत कर लूंगी, उनके पांव पड़ जाऊंगी। किसी के पांव पड़ने की जरूरत नहीं बेटा, हम जाएंगे सुबह और जाके उनसे बात कर लेंगे। मरियम को ये बात मत बताए, दिल टूट जाए। नहीं नहीं बिल्कुल उससे बात नहीं करना, उससे बात करने क्या जरूरत है? तुम सुबह तैयार है ना, हम सुबह स्कूल चलेंगे दोनों इकट्ठे, ठीक है? चलो बिल्कुल, रोना नहीं, नहीं। बस करो, मत रो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, दुआ करो अल्लाह से, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। मास्टर साहब आप तो खुद एक टीचर हैं, यू नो हाउ इट गोज। देखिए इसीलिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मरियम हमेशा हर सब्जेक्ट में टॉप करेगी। I wonder how is it possible because her father is not educated enough। देखिए इसीलिए उस बच्ची को मैं खुद पढ़ाऊंगी, और इस वक्त मैं आपसे उसके गार्डियन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। In that case आपको राइटिंग में प्लेज करना होगा। देखिए जब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो मुझे लिख के देने में कोई एतराज नहीं। ठीक है फिर, मुझे कोई एतराज नहीं, फीस वगैरह के मामला भी फिर आपको ही देखना। क्यों नहीं, उसकी तो मैं पहले ही गारंटी दे चुका हूँ, फीस आपको हमेशा इन टाइम मिला करेगी।
मेरी ख्वाहिश होगी कि मरियम इस स्कूल से टॉप करके निकले और एक कॉम्पिटेंट इंसान बने। मेरी मरियम डॉक्टर बनेगी ना? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मरियम मेरी बेटी। क्या हुआ बाबा? इधर मेरी बेटी का दाखला हो गया है। अरे वाह गुरु, मुबारक हो। ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है। मरियम। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ ये खाओ। ये ले, तू भी खा। अब मेरी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। वो डॉक्टर तो मैं बहुत दिनों बाद बनूंगी। बहुत सारे दिन चुटकी में गुजर जाएंगे। ये ले, जाके मोहल्ले में बांटा। सबको दे के आई हूँ। मौलवी साहब को मैं खुद देने जाऊंगा। हाँ, मैं अभी पूरे मोहल्ले में देकर आता हूँ। देखो मैयम, अल्लाह ने बहुत सारी मेहरबानी की है। अब तुमने बहुत मेहनत से करना है। प्रिंसिपल साहिबा कह रही थी मरियम को हर टेस्ट में अव्वल आना है। अव्वल मतलब? अव्वल मतलब अव्वल मतलब टॉप, सबसे ऊपर, सबसे आगे। वो तो मैं हूँ ही। तू हो। बच्चे के दाखले का वक्त आ गया है। तो करवा दो मोहल्ले वाले स्कूल में। कैसे बाप हैं आप? माँ बाप तो बच्चों के बारे में बड़ा सोचते हैं। कैसा बाप हूँ मैं? खाना नहीं मिल रहा है, भूखे सो रही है, छत नहीं है, रोड पे हैं ये। चाहती क्या हो तुम? तुम बेटियों पे बेटियां पैदा किए जाओ और मैं खर्चे करता रहूं, ये यही चाहती हो तुम? मैं बहन के बेटे को भी तो बड़े स्कूल में दाखला करवाया है ना, तो बेटियों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? फाखरा बेटा है वो। तो बेटियों के माँ बाप क्या करते हैं? नहीं सोचते अपनी बच्चियों के बारे में? नहीं पढ़ाते उन्हें? वक्त यही चिक चिक लग रहती है घर में। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कर दो, वो कर दो, ये ला दो, वो ला दो। और मुझे नहीं पढ़ाना, तुम्हें पढ़ाना, इसको ले जाओ मोहल्ले के स्कूल में, वरना मेरी तरफ से इनका जो करने का काम है इनको सिखाओ। शादियां हो जानी है इनकी कल को। मान लेना मेरी बात, ले जाए ना बड़े स्कूल में इसको। फखरा तुम क्या चाहती हो? मैं जितना कमाता हूँ वो सारा इसकी तालीम पे लगा दूंगा। कौन, देखो इनको, कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है? हाँ, पता भी नहीं चलेगा, जवान हो जाएंगे। पर शादियां हो गई, गए अक्कल से काम लिया को। पानी ला के दो। आओ गुरु आओ। वो पैसे गिन लिए ना, पूरे हैं ना? जी जी बिल्कुल पूरे हैं। अगर कम हो तो मुझे बता देना। नहीं नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है पूरे हो गए हैं। बस असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है सत्तार। जी अल्लाह मालिक है। आज उसकी बच्ची की कॉपियां किताबें वगैरह सब ले लेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। बैठ। ये बात वाज़ेह है कि चमके के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हाँ है गुरु, आप तो बदल गए थे ना? हाँ बदल गई थी, लेकिन अब ये छुप के करना पड़ेगा। अब गुरु, अब आप काम कैसे करेंगे? करना पड़ेगा, और कोई गुंजाइश ही नहीं है। गुरु मैं हूं ना, मैं दो दो फंक्शंस पकड़ लूंगी, दिन में सिग्नल पे और रात में कोई फंक्शन पकड़ लूंगी। पागल हो गई क्या? ऐसी बातें ना करो गुरु। वो आज शाम को ना एक मेहंदी का फंक्शन है ये बराबर वाले मोहल्ले में,
ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी वेल हो जाएगी। मैं भी चलूंगी। अब हम कर लेंगे ना गुरु? नहीं, मैं साथ में चलूंगी। दिन के टाइम जब मरीम स्कूल में होगी तो सिग्नल, और जब रात को वो सो जाएगी फंक्शन कर लेंगे। ठीक है, जा थोड़ी चाय ले। हाय अल्लाह, इतना सा हम कैच भी नहीं खबर सकते। मरियम बेटा, मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। तो आपने भी तो ऐसे ही करा। अच्छा सॉरी, अब चाचा ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलेंगे, और आपने भी ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? तो फिर कैसे बोलना है? आपने वो जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। डॉक्टर कैसे करते हैं? डॉक्टर तो खामोश रहते हैं ना, वो एक लफ्ज बोलते हैं ना, वो क्या था? मुझे थोड़ी है पता वो कौन सा लफ्ज है। अरे मरियम, वो एक लफ्ज बोलते हैं, वो क्या लफ्ज था? खैर वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अब आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना, ठीक है? ठीक है। वापस खेले? यस। शाबाश, चलो अब मैं बॉल बहुत तेज फेंकूंगा। गुरु, क्या बात है, कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे? अब चमका भी मेरे बस का नहीं रहा। जब जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, खा लिया, सो लिया, पी लिया, तो इस हड़ पैर में बड़ी जगह थी। और अब जब मकसद मिल गया है, जिस्म से जान निकलती जाती। अब तो सतार रोए ना, तो और क्या करें? बाबा तू क्यों रो रहा है? किसी ने आपको मारा है? किस्मत ने मारा है। ना रोए। अब नहीं। कितने पैसे जमा हुए? 6000। बिजली ने अपनी सारी कमी मुझे दे दी। गुरु, आपको कहीं उन दोनों कमीनों पर प्यार तो नहीं आने लगा? कहीं उनको वापस तो नहीं लाने लगे? मरियम की मजबूरी ना होती ना, शायद ले भी आते। वैसे बाजी, क्या जरूरत थी गुरु को सारी रकम वापस करने की? रकम दिए मैंने, पर सारी रकम नहीं दी मैंने। भाई भला नाच नाच के हमारे पांव सूजे और सारी रकम गुरु अड्डी करके ले जाए ना बाजी। हाय अल्लाह, गुरु के साथ दगा? बाजी गुनाह हमें लेगा। आधी रकम दिए मैंने, ये गनीमत है। भाई तुझे देखो नहीं, गुरु की सुटी हड्डियां नाचते वक्त किस तरह से आवाजें कर रही थी, चुर चुर चुर। हाँ बाजी, वैसे गुरु की हालत ना बिगड़ रही थी। हाँ बिगड़ तो उसी दिन गई थी जब वो मीसनी मरियम है ना गुरु को मिली थी। भाई गुरु तो जैसे ना उसके पीछे पागल सा हो गया है। ठीक कह रही है बाजी तू, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि गुरु का दिमाग ना बिल्कुल ढीला हो गया है। हाँ, हाँ देखो भला इस उम्र में कोई नाचने की जरूरत थी? वो तो मुझे तरस आ गया तो मैंने 4 पैसे दे दिए। ना भैया मैं तो करती हूँ खरी बात, चाहे किसी को आग लगे, मैं तो सारे पैसे गोल कर जाती। ऐसे बाजी एक बात बताऊ, तू ना बड़ी कमी नहीं होती जा रही है।
मजबूर किया है मुझे गुरु ने और उसकी मीस्ती मरियम ने। और वैसे भी ना गुरु को अब छमको में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमने देखा नहीं किस तरह से ब्रादरी वाले हमारे बारे में बातें कर रहे थे? हाँ बाजी निकाले अलग से गए, पैसों के लाले भी पड़े हुए हैं और ऊपर से ब्रादरी भी नाराज है। हम जाएं भी तो कहाँ जाएं बाजी? वहीं जाएंगे जहां से निकाले गए थे, देख लेना एक दिन।